दोस्तों, संघर्ष से मुंह मोड़ने वालों से जिंदगी की तमाम खुशियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। दुनिया में जितने भी कुबेरपति हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे से पड़ाव से की और वे परिणाम की चिंता किए बगैर निरंतर गतिशील रहे। उनके भाग्य ने भी उनका बखूबी साथ दिया और वे दुनिया के सरताज बन गए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये चार बातें जरूरी है: जिद, प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास। जिद, प्रयास और मेहनत के साथ साथ जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है, वह व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेता है। दोस्तों, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसके कई जवाब हमें मिल सकते हैं, लेकिन सबसे सही जवाब तो यही है कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त सही मायने में कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही होता है। दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करो। हम जितना अपने आप को समझते हैं और अपने आप के बारे में जितना हम जानते हैं, उतना और कोई नहीं जानता, ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे रिश्तेदार, और यहां तक कि हमारे माता पिता भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। इतना होने पर भी कई बार हम अपने आप को ही नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही बात विश्वास यानी कि भरोसे पर भी लागू होती है। हम कई बार अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते हैं और खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर ही ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। खुद पर विश्वास करना यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो भरोसा ही क्यों ना हो। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये चार बातें जरूरी हैं: जिद, प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास। जिद, प्रयास और मेहनत के साथ साथ जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है, वह व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेता है। कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी काम को शुरू करने की योजना बनाते हैं तो कई लोग हमें मांगे या बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको सही सलाह भी देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी योजना को हास्यास्पद बताकर या आपको नकारात्मक सलाह देकर आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, और आप उन कुछ लोगों की बजाय उन चंद लोगों की बात पर ही ज्यादा ध्यान देंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। आपने यह अक्सर सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। ये सवाल उठना भी लाजिम है, लेकिन अगर हमारे मन में खुद के लिए विश्वास हो तो ये सभी सवाल बेमानी हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर हताश होने के बजाय खुद से बातें करना ज्यादा बेहतर होता है। अपनी योजनाओं को तब तक केवल अपने तक ही सीमित रखें जब तक आप खुद को पूरी तरह तैयार ना कर लें। दूसरों को अपनी तैयारी नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखाएं। हालांकि किसी पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना जरूर गलत है। अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो बेशक आपको दूसरों से राय लेने की, उनके अनुभवों से सीखने की और उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, कार्यशैली और क्षमता में फर्क होता है। इसलिए आपको किस हद तक उनका अनुसरण करना है ये सोचना भी जरूरी है।
क्योंकि चीज़ों को देखने का हर इंसान का नज़रिया अलग होता है और उसकी राय और विचार भी अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज करने के बजाय अपनी समझ से ही काम लें। इसे ही कहते हैं खुद पर भरोसा करना। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले या किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर दूसरों से राय मशविरा करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वाकई उसे आप करना चाहते हैं? क्या आपका उस काम में वाकई इंटरेस्ट है? क्या आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है? क्या आपके पास इस काम को करने की क्षमता है, योग्यता है? क्या आपके पास इस काम को करने की क्षमता, योग्यता और मेहनत करने का हौसला है? और क्या आप इसके उतार चढ़ाव से वाकिफ हैं? बस इन सवालों पर गौर कर लीजिए। अपने आप से उनके जवाब ईमानदारी से पूछिए और जिन सवालों का जवाब ना हो उन्हें हाँ में बदलने का प्रयास कीजिए। बस फिर आपको किसी और से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर देखिए, आपके अपने ही आत्मविश्वास के बल पर आप अपने काम में सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, आत्मविश्वास बेहद जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षेत्र में आत्मविश्वास ही अपना सबसे बड़ा साथी होता है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको सहारा देता है, आपको गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना सिखाता है। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति खुद भी निष्क्रिय हो जाता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी नकारात्मक हो जाता है। उसे लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है। उसकी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। व्यक्ति की यह स्थिति दूसरों के साथ साथ उसके अपने लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाएं और जगाए रखिए। दूसरों से कम उम्मीद रखिए। अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, यह बेहद जरूरी है, वरना आप एक छोटे से निर्णय को लेने के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर होकर रह जाएंगे। दोस्तों, अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना जगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो खुद से प्यार करना होगा और खुद का सम्मान करना होगा। दूसरों के विचारों को जानने से पहले अपने खुद के विचारों को जानकर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। अपने मन की बात समझनी होगी। अपने अंदर छोटे बड़े बदलाव लाने होंगे जो आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे। जैसे आपको अपना रहन सहन और आपकी आदतें सुधारनी होगी और स्पष्ट बोलने की आदत डालनी होगी। साथ ही आपको अपडेट रहना होगा, जमाने के हर बदलाव पर नजर रखनी होगी और अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि जब आप किसी के सामने जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। दोस्तों, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं या खुद में विश्वास कैसे जगाएं, यह एक गंभीर विषय है और इस विषय पर समय समय पर कई अच्छे लेखकों द्वारा काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी गई हैं। उनमें से बहुत सी किताबें प्रसिद्ध हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकती हैं। यह भी याद रखिए दोस्तों कि जिस तरह आत्मविश्वास की कमी किसी भी व्यक्ति की प्रगति और विकास के लिए बाधक है, उसी तरह अति आत्मविश्वास भी उसके लिए हानिकारक है। अब इन दोनों में जो एक पतली सीमा रेखा है, उसे आपको ही निर्धारित करना है। दोस्तों, आप अपने आप के लिए बहुत स्पेशल हैं, आपको यह समझना होगा। आपको आपके अलावा और कोई समझा नहीं सकता। इसलिए पहले अपने आप को महत्व दें। अपने आप को पहले और दूसरों को दूसरे स्थान पर ही रहने दें। और दूसरों पर भरोसा रखने के पहले खुद पर भरोसा रखें, संभव से असंभव होगा। कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन को सबसे अलग क्या बनाता है? वह है असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बनाना, और यह कार्य करता है आपका विश्वास तंत्र।
जो विशेष रूप से आपके खुद के विचारों से नियंत्रित होता है। जीवन में आपकी कामयाबी की बुलंदियां क्या होगी, यह भी आपके स्वयं की धारणाओं पर ही निर्भर करता है। इतना ही नहीं, अपनी सफलता और असफलता के लिए भी आप खुद ही जिम्मेदार हैं। भौतिक परिस्थितियां भी मजबूत विश्वास तंत्र के आगे बौनी हैं। शरीर बीमारियों का घर है और मृत्यु की बीमारी हर व्यक्ति के लिए लाइलाज है, लेकिन मन की शक्ति इन बीमारियों से लड़ने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है। स्टीफन हॉकिंग चिकित्सकीय भविष्यवाणी के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहे, तो यह उनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। इतिहास और वर्तमान ऐसे कई व्यक्तियों की दास्तानों से भरा पड़ा है, जिन्होंने मृत्यु को भी अपनी अदम्य साहस शक्ति से विचलित करके उसे एक नया जीवन में रूपांतरित करने का करिश्मा किया। जिंदगी की जद्दोजहद पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऐसे समय में हमें अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वे शाश्वत सत्य बन जाएं। आपके ये विचार ही वे धारणाएं हैं जो आपके लिए व्यक्तिगत नियम और कानून बन सकते हैं। ये आपके अनुभवों का निर्माण करने की भी क्षमता रखते हैं। अगर हमें ज्ञात हो जाए कि हमारा विश्वास तंत्र इतना पावरफुल है, तो क्या हम किसी कार्य को असंभव कह सकते हैं? वर्ष 1954 में रोजर बनिस्टर 4 मिनट से भी कम समय में 1 मील के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले पहले धावक बने। हर बार जब वे प्रैक्टिस रेस करते, तो अपने दिमाग को 4 मिनट के अंदर रेस खत्म करने के लिए प्रशिक्षित करते। वह अपनी टाइमर घड़ी को देखकर कहते, 3 मिनट 59 सेकंड। बाद में उन्होंने इस रहस्य को उजागर किया कि कुछ भी वास्तविकता में होने के लिए वह पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। उन्होंने न केवल एक रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपने समय के सभी धावकों की उन आत्म सीमित सीमाओं की एक बाधा को तोड़ दिया, जिन्होंने 4 मिनट मील रिकॉर्ड को निराशाजनक रूप से असंभव मान लिया था। उनके अनुभव से प्रेरणा लेकर फिर न जाने कितने ही धावकों ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत की। परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं होती, वे कभी मनुष्य के साथ होती हैं तो कभी विपरीत होती हैं। मनुष्य को हर समय परिस्थितियों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अस्तित्व की लड़ाई में विवेकवान व्यक्ति ही सफलता की मंजिल को चूम पाते हैं, लेकिन अक्सर संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति का साहस घटने लगता है। वह इतना भयभीत होने लगता है कि संघर्ष की चुनौती को स्वीकार करना ही छोड़ देता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन हम जीवन भर इसी में फंसे रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इस धारणा को बदलने वाले लेखक ने कहा है, जब आप मन से कुछ मानेंगे, तब आप उसे अपने अनुभव में देखेंगे। इसलिए आपको अपनी वास्तविकता और अनुभव को बदलने के लिए विश्वास को बदलने की जरूरत है। वैसे यह रातों रात तो नहीं हो सकता। एक तरीका यह है कि आप अपने से वे अपेक्षाएं रखें जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह आपके लिए सफलता की नई संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। इसलिए जो व्यक्ति किसी कार्य को असंभव मानकर मेहनत और उसके लिए साहस जुटाने का प्रयास ही नहीं करता, उसके समक्ष ये मिसालें किसी बड़े साक्ष्य से कम नहीं है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उनके लिए भाग्य के दरवाजे भी सदैव बंद ही रहते हैं, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जीवन में कुछ किए बिना ही जय जयकार संभव नहीं है। व्यक्ति के कर्म ही उसे इस चराचर जगत में जस, कीर्ति और वैभव के अलंकारों से अलंकृत कर सकते हैं। संघर्ष से मुंह मोड़ने वालों से जिंदगी की तमाम खुशियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। दुनिया में जितने भी कुबेरपति हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे से पड़ाव से की और वे परिणाम की चिंता किए बगैर निरंतर गतिशील रहे। उनके भाग्य ने भी उनका बखूबी साथ दिया और वे दुनिया के सरताज बन गए।
दोस्तों जागो, उठो और दौड़ो, और तब तक दौड़ते रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य छोटा ना लगने लगे। लेकिन हमारे समाज में लक्ष्य का पीछा करते हुए मनुष्य इतना हताश हो जाता है कि वह अपनी कल्पना करना ही छोड़ देता है। अक्सर यूपीएससी और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ऐसा हवा बना दिया जाता है कि कई छात्र उसमें सफल होने की कल्पना ही छोड़ देते हैं। उन्हें समझना होगा कि यदि किसी व्यक्ति ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले अपने विश्वास और मान्यताओं के प्रति जागरूक होना होगा और उनकी जांच करें कि क्या वे आपके लिए सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं या वे आपके लिए बाधा बन रहे हैं। सही मायने में आपका अवचेतन मन ही सफलता में आपका साथी है और उसके पास असीमित शक्ति है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।